अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहां स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है, अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना ऑपोजिट पुलिस लाइन NH1 GT रोड पानीपत और कॉल करें 8950-69-0021। अगर आप वॉइस ऑफ पानीपत को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर ताजा अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। खबर की शुरुआत करने से पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। हालांकि इस वीडियो की वॉइस ऑफ पानीपत कोई पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो इस वीडियो में रिकॉर्ड किया गया है वो एक स्टिंग की वीडियो है। बर्नर का भाड़ा? हाँ पर दो। लताई, लो इनको लो। कुछ और डॉक्यूमेंट तो क्या? नहीं, पूरा जिम्मेवारी फिर आपकी होगी। जिम्मेदारी मारी है कहीं मतलब करना नहीं, दो महीने के अंदर ना आए तो पैसे मार से ले जियो। बाद में तो नहीं कुछ लगता? नहीं, कुछ नहीं लगता। नोके नो 50 नाम है अपने, चाहे कुछ करियो अपने 50,000 का निकलवा के। अम्मा का तो फिर दोबारा नहीं, बाद में कुछ नहीं है, थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। 9 महीने तो महीने कोई बात नहीं, गर्मी तक आ जाओ बात। मैंने क्या था राकेश तभी नोको था वो लोग आ रहा है, लड़का रहा वो करवा देगा, 5,000 रुपये दे दिए उस तरह, बाकी फार्म फूर्म सारे वो करवा दें। और तो कुछ लेना तो कुछ कागज तो नहीं पूरा पूरे तेरी पर बस एक तो बैठ जा 2 मिनट। अच्छा आप जा मजा आओ, ये बैठ जा, कोई पूछना होगा तो इनसे पूछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। वीडियो आपने देखी, ये वीडियो है कुटानी गांव की सरपंच महिला मोनिका की 3 साल पहले की, जो इस वीडियो में गांव के लोगों के फॉर्म भरते हुए दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि सरपंच महिला ने गांव के लोगों को 50,000 रुपये का लोन दिलवाने की बात कहकर उनसे फॉर्म भरवा रही है। इतना ही नहीं, इस फॉर्म को भरने के लिए महिला सरपंच सभी से 5,000 रुपये भी ले रही है। जो वीडियो हमने आपको दिखाई उसमें वो कह रही है कि अगर ये लोन नहीं मिला तो वो उनके 5,000 रुपये वापस कर देगी। साथ ही वो पूरे दावे के साथ ये कह रही है कि उन्हें लोन मिल जाएगा। वीडियो आपने देखी, अब इन्हें देखिए जो अपने खून पसीने की कमाई महिला सरपंच को देकर बैठे हैं। लघु सचिवालय के बाहर बैठे ये बुजुर्ग हाथ जोड़कर ये कह रहे हैं कि इन्हें बस इनके पैसे वापस दिलवा दिए जाए, क्योंकि ये पैसे उनकी मेहनत के हैं। जरा आप भी सुनिए ये क्या कह रहे हैं। 5,000 रुपये ले दिया हमारे तो, पूरा भी नहीं, ब्याज बैठा ठग दिए थे हमने, जाओ तो बात नहीं करते, धमकी दो कभी करना होगा। किसने लिए थे? सरपंच जी ने। अच्छा, क्या कह दिए थे? भाई 5,000 रुपये दे दो, तेरा लोन पास करवा दूंगी। अच्छा। 80-90,000 रुपये, लाख पीले कर देंगे, हरे पीले।
ना दिए नहीं ना पर्ची दी लिखवा कब लिए थे उन्हें दो तीन साल लिए जी बंदे लिए थे नहीं आए कभी शिकायत नहीं करी पहले ना पहले नहीं हमने शिकायत करी नहीं वो दे देगी दे देगी लोन करवा दूंगी ये बताता बेटा हमने दिए थे 5,000 रुपये मार्फ भरवाए थे फार्म हक थारे घर ये पास हो जाएंगे और लोन मिल जाएगा तो हमने तुम अपने मकान बना लियो कड़ी कुड़ी जिसकी गिर रही है हमने कहा जी देख लो काम बनता हो तो करवा लो नहीं तो मखा 5,000 तो आप भरवान लाग रहे मार है तो है नहीं क्यों तो ब्याज पे लेने पड़ेंगे अब कोई बात नहीं आपके पीछे तो मिल जाएंगे आपका काम तो बन जाएगा फिर मखा जी कम है अब कम कितने मखा 1,000 कम है अगर ना पहले पीछे पूरे लिया फिर भर जाओगा आपका फार्म घर जो उसकी मालिक भी था मालिक तो खैर दूर रह कर था अंदर रह कर था मोनिका थी फार्म भरण में मोनिका ने फार्म भरवाए थे मारे तो कह रही थी कि अभी आ जाएंगे 2 महीने में फिर उसके घर जाऊँ फिर कह दा इव की उसमें आ जाएंगे लॉकडाउन हो रहा नोटबंदी हो रही ये हो रही मारता तो बकानी रही हम इव किसके आगे फुहार लगावा जाकर आ एक दो बार यहाँ भी आ लिए अभी तो कोई काम बना नहीं उस तक कम है उन्होंने कहा था कोई बात नहीं बन जाएगा मखन नहीं जब वो शुरू शुरू में बना नहीं उसी साल में लिए थे पैसे नहीं, नहीं जी पैसे नहीं दिलवाए ना तो हमको हमारे पैसे दे दो वापिस ना पैसे दें दे नुकाम ना आग जमा कर दिया आग भर रखे। वीडियो भले 3 साल पुरानी हो लेकिन ये सभी बुजुर्ग पिछले 1 साल से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं ताकि महिला सरपंच ने जो पैसे इनसे हड़पे हैं वो उन्हें मिल जाए। कई बुजुर्ग महिलाएं ने तो ये भी बताया कि करीब 250 से 300 लोगों से महिला सरपंच पैसे ले चुकी है जिसे अभी तक वापिस नहीं किया गया। हमने ये 5,000 रुपये दे रखे ईसा सरपंच पाँच लाइन कोई काम नहीं कर दिया इसो इसने कर दिया लोगाड़ी ने मारी गेल मारे 5,000 रुपये दिवा दे हम दो तीन बार लिए दिया आपके आपके पास क्या दिए थे 5,000 रुपये किस चीज़ के लिए थे? किस चीज़ ठीक बोला मकान के फूक या टूटी फूटी ये समरवा दूंगी कड़िया का घर करवा दूंगी री मंगवा दूँ बिने भीतरे और पीछे जमा कर दो 50 रुपये घाटे हो गए तो बिन पकड़े उसने नहीं बोली पूरे दो और गरीब आदमी हम मार दिया घर में हमारे खान ना दाने नहीं नून दर दर हम ठिकड़ा सब है कितने लोगों से लिए हैं जवान जितने प्यारे हाँ सबके कार्ड कटवा दूंगे न्यू करवा दूंगे ये मांग है कई बार मांग भी लिए फिर ड्रबे दे न्यू काम था न्यू कर देंगे पीट देंगे बाहर लकड़ो कितने दिन हो गए दिए ये 3 साल हमने लग गए होंगे सर नाम मना दे करवाई जी का चौकीदार तक भाई थारे आगे ऊपर देने पड़ेंगे 5,000 रुपये भाई थारे पैसे मिल जाएंगे तब नहीं अगले भी नहीं मिल जाएंगे तो जब दो तीन बार आ लिया जी हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा जी भी तो वो जो पैसों के बाबत जा तो मारता जी धमकी देवा धमकी देने की मारता भाई घुरकी दिखाती है वो फिर बोलती है भाई हम पैसे देने को भाई किस लिए क्या के पैसे देवा थारे था तो मना कर रहे आज हम तो इस बात के मारे आज जी हमारी कार्रवाई करो जी हमने पैसों की जरूरत पड़े हम गरीब आदमी जी मजदूरी छोड़ छोड़ कर हम ना पैसे दिए सर कितने लोग हैं जी होंगे 250-300 लोग हैं जी इतने जी बोल रही थी वो भाई हम ना एक मिनट पे जी पैसे देने आज ये हम पैसे दो तो थारे फार्म भरे जाएंगे तो तुम ना पैसे मिल जाएंगे भाई लोन मिलेगा तुम ना मकानों का लोन मिल जाएगा तुम ना लाख डेढ़ लाख रुपए मिल जाएगा तुम ना तो जी लिए थे पीछे सरपंच ने लिए थे जी सर क्या नाम था मोनिका सर घर में बुला के लिए हाँ जी घर में बुला का घर में बुलाए सर घर में बुलाए मना दी करवाई जी सर चौकीदार पा आपको बता दें कि वॉइस ऑफ पानीपत द्वारा जब ये वीडियो महिला के पति को भेजी गई तो उनसे इस वीडियो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अभी चंडीगढ़ में हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। फिलहाल कुटाने गांव के इन बुजुर्गों द्वारा आज ADC को शिकायत दी गई और हाथ जोड़कर अपील की गई कि उनके साथ इंसाफ हो। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करिए आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में।
बालाजी शोरूम जीटी रोड के साथ साथ सलोरी रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. Poore honge sare sapne.